कैसे महारानी, कैसे पूजा करने दूं अपनी पुत्री को सभी माने की। महाराज, आप तो सती को जानते हैं, आपकी तरह ही हठी है वो। यदि बल से आप उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे तो वो विरोध करेगी, और उसका विरोध करना आपको उससे और भी अधिक दूर ले जाएगा। महाराज, पिता और पुत्री के संबंध और बिगड़ जाएंगे। तो फिर आप ही बताइए महारानी, मैं क्या करूं, कैसे रोकूं मैं अपनी पुत्री सती को शिव की तपस्या करने से। महाराज, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु ये मेरा सुझाव, आप कुछ मत कीजिए। सती में शक्ति का अंश बल का प्रयोग करके आप उससे जीत नहीं सकते, किंतु हाँ, यदि प्रेम से समझाएंगे तो मेरा विश्वास कि वो आपकी बात अवश्य सुनेगी। पिता की आज्ञा मानकर देवी सती ने महल में फिर से शिवलिंग स्थापित करने का हट नहीं किया, पर वो स्वयं गुफा में चली गई और वहां तपस्या करने लगी, और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने प्रिय पर केंद्रित करने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए, बढ़ती उम्र के साथ साथ सती के शिव की प्रति भक्ति भी बढ़ती चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उनकी तपस्या का तेज बढ़ता चला गया। अंत में शिव को समाधि की अवस्था में अपनी शक्ति का आभास हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः शिव देवी सती के तप से प्रसन्न हो ही गए और उनकी मन की इच्छा पूर्ण करने वो उनके समक्ष प्रकट हुए। दिन सती ने जब महादेव को देखा तो उन्हें पूर्ण होने का आभास हुआ। शिव महादेव साकार रूप में। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ देवी, कहिए क्या वरदान चाहिए आपको। जिस क्षण से मैंने जन्म लिया है, एक अलौकिक जुड़ाव सा अनुभव किया है आपके साथ। जब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब भी मेरे मन में आप ही की छवि थी। जब मैंने आपको शिवलिंग के रूप में पहली बार देखा, एक विचित्र पूर्णता का आभास हुआ था। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती है। मन करता है सदैव आपको निहारती रहूं,
आपकी सेवा करूं, आपके निकट रहूं। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूं। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूं। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूं महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? बोलिए महादेव, देंगे मुझे ये वरदान? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। पर प्रभु, हमारे विवाह से पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। ये कार्य कठिन है, पर आप... आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। पर कैसे प्रभु? प्रभु, तो क्या महादेव ने प्रजापति से आज्ञा ली थी, किंतु वो तो कभी भी अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराने के लिए नहीं माने होंगे ना? फिर उनका मिलन कैसे हुआ होगा प्रभु? नियति का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता है मूषक जी, और देवी सती के नियति में महादेव से विवाह होना लिखा था, किंतु प्रजापति दक्ष उनके लिए कुछ अलग ही भविष्य निर्धारित कर रहे थे। महादेव ने कहा है तो वो अवश्य कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मेरा विवाह महादेव शिव के साथ होगा। माँ, 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 विशाखा, विशाखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत। अरे हुआ क्या? पूछो मत, बस मन करता है कि प्रसन्नता की आकाश में उड़ती जाऊं, उड़ती जाऊं। माँ, माँ, अरे सती, माँ उठो। अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो ये? बहुत प्रसन्न हूँ माँ, बहुत। अरे सती, इतने वर्षों बाद इतनी प्रसन्नता देखी तुम्हारे मुख पर, क्या बात है? आप जानती हो पिताजी, पिताजी आपको पता है कि आज आप हमसे सुनिए एक उत्तम समाचार। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने अन्य गुरुजनों के साथ मिलकर आपके विवाह का मुहूर्त निकाला है। आपका स्वयंवर होगा पुत्री। हम आपके लिए संसार के समस्त राज्यों से एक से बढ़कर एक राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे। आपके लिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ढूंढेंगे हम। कैसे कहूं पिताजी से, कैसे बताऊं कि मैंने महादेव को अपना वर चुन लिया है? आपका विवाह साधारण रीति से नहीं होगा, स्वयंवर होगा, स्वयंवर। स्वयंवर? आपके विवाह का आयोजन ऐसा भव्य होगा जो संसार ने न कभी देखा होगा और न भविष्य में देख पाएगा। ब्रह्मांड के कोने कोने से राजाओं, राजकुमारों, ऋषिगण और देवताओं को आमंत्रित करूंगा। एक से बढ़कर एक राजकुमार आपका हाथ पाने की आकांक्षा लिए स्वयंवर में भाग लेंगे। आपके हृदय को जीतने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे, और जो आपके मन को भाएगा आप उसके गले में वरमाला पहनाइएगा। फिर हम आपका विवाह पूरे विधि विधान से करेंगे। कैसा शुभ दिन होगा, मेरा स्वप्न पूरा होगा। पिताजी,
जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है। इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी, हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। इतना बड़ा आयोजन होगा तब तो उस सभा में महादेव भी अवश्य आएंगे और मैं पिताजी के आशीर्वाद से उनका वरण कर पाऊंगी। देखा महारानी, हमारी पुत्री कितनी बड़ी हो गई, अपने पिता से लज्जा रही है। क्या हुआ महारानी, आप किस विचार में हैं? महाराज, आपने सती को वचन तो दे दिए, किंतु यदि उसने शिव के गले में नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा महारानी। उस एकांतवासी अभिमानी पशुपति को तो मैंने आमंत्रित ही नहीं किया है, और सती के अनुसार बिना प्रेम से बुलाए उसका अपने स्थान से उठना संभव है। इसलिए सभा में उपस्थित होने का तो प्रश्न नहीं उठता है। ना शिव का आगमन होगा और ना सती के साथ उसका विवाह। पिता और पुत्री दोनों मन ही मन प्रसन्न थे ये सोचकर कि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है, और इसी के कारण लंबे समय तक उनके बीच जो तनाव था वो भी समाप्त हो गया। प्रजापति दक्ष अपनी प्रिय पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां स्वयं अपने हाथों से करने लगे। पिता और पुत्री दोनों एक साथ फिर से समय व्यतीत करने लगे पहले की तरह। ये देखकर रानी प्रसूति खुश तो बहुत थी, पर उनके मन में एक भय भी था। दिन रात वो यही चिंता में रहती कि जब स्वयंवर के दिन देवी सती को पता चलेगा कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित ही नहीं किया है तो क्या होगा। और फिर वो दिन आ गया। अब हो गई तुम तैयार, आओ सती। ठहरो, एक छोटी सी कमी है। सती, पिताजी, सब कुछ कितना विचित्र सा लग रहा है। एक और एक नया साथी, नया जीवन मिलने की प्रसन्नता, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है। कली तो तुम्हें गोद में उठा रहा था, पर समय न जाने कब भागता चला गया। देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। ये नया जीवन पुराने जीवन का अंत नहीं, विस्तार है। अब चलिए आप लोग, समय हो गया है।
बस कुछ एक क्षण और, फिर सदा सदा के लिए अपनी शिव की हो जाऊंगी मैं। एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात है कि उसकी पुत्री का विवाह सही जगह हो जाए, फिर शिव का नाम सती के जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी यही कामना है कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न ना आए। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो जिनके साथ इनका विवाह होगा। महादेव कहाँ हैं आप? इन नेत्रों को और मत तरसाइए, सामने आइए महादेव। देवी सती महादेव को ढूंढ रही है, किंतु इन्हें यह पता ही नहीं कि प्रजापति दक्ष ने महादेव को आने का निमंत्रण ही नहीं दिया। यहाँ तो आप है ही नहीं, अवश्य ही आपको समाधि से उठने में विलंब हो गया होगा। इसका अर्थ है कि अब किसी भी क्षण आने वाले हैं आप। तुम द्वार की ओर क्या देख रही हो? मैंने जितने भी अतिथियों को आमंत्रण दिया था वे सब पधार चुके हैं। महादेव अब तक नहीं आए पिताजी। आएगा भी नहीं वो। क्या क्या कहा आपने? जब मैंने उसे आमंत्रण ही नहीं दिया तो अनाधिकार वो यहाँ आकर अपना अपमान करवाएगा। आपने महादेव को निमंत्रण ही नहीं दिया, ये कैसे कर सकते हैं आप पिताजी? इस पूरी सृष्टि के 14 भुवन के सबसे योग्य है वो। तुम्हारे कहने भर से मान लूं? जिसे किसी के गुण धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसे सामाजिक शिष्टाचार निभाना नहीं आता, जो केवल स्वयं में रमता है, वो योग्य नहीं, असभ्य है। वो मेरे होने वाले पति हैं पिताजी। सती! माँ सती के हृदय में महादेव विराजमान थे। उनके अलावा माता सती किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बात प्रजापति दक्ष को भी ज्ञात थी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। जो कभी वास्तविक नहीं बन सकता। तुम प्रेम में अंधी हो सकती हो,
बुद्धि के स्थान पर हृदय से अपने जीवन का निर्णय कर सकती हो, परंतु मैं पिता हूं, मैं जानता हूं महलों में रहने वाली मेरी फूल सी पुत्री उस कैलाश में एकांतवास में रहने वाले भस्मधारी के साथ कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। एक स्त्री का सुख संसाधनों से नहीं अपने पति के सानिध्य से होता है पिताजी। यदि शिव शंकर स्वयं मेरे साथ है तो मुझे किसी भी वस्तु की या किसी भी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं अपने हृदय से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरदान दिया है कि वो मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव, क्या आप ही मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि आपकी यही इच्छा तो ऐसा ही हो। और इसीलिए अब मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी। और आपने भी तो मुझे वचन दिया था पिताजी कि मुझे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है, क्या आपका वचन झूठा है? बोलिए पिताजी। जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है, इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। तो आपने वो वचन मुझे भ्रमित करने के लिए किया था ताकि मैं स्वयंवर में आने के लिए तैयार हो जाऊं। माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि महादेव के लिए मेरे मन में कैसे भाव है। आप भी एक स्त्री हैं माँ, और ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यदि एक स्त्री जिसे एक बार अपने वर के स्वरूप में स्वीकार लेती है उसके अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष का विचार अपने हृदय में भी नहीं ला सकती। इस वरमाला पर मात्र मेरे महादेव का अधिकार है, मैं उन्हें ही वरमाला पहनाऊंगी। उस दिन देवी सती ने सभी देवों ऋषियों यहां तक कि अपने माता पिता के समक्ष अपनी भावना को प्रकट कर शिवजी के लिए अपने महान प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था। ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। उसके लिए उसे यहां उपस्थित होना होगा। ध्यान से देखो, वो तो सभा में है ही नहीं। आप भ्रम में हैं पिताजी, महादेव यही है मेरे साथ। आपने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हो, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहां तक लेकर आएगी, उन्होंने मुझे वरदान दिया था और वो अवश्य पूरा होगा। मेरे शिव अपने प्रेम का प्रमाण देने अवश्य आएंगे। आ, 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 आ,
सत्य कहा मामा श्री ने। उस दिन माता सती ने शिवजी के लिए स्वयंवर में प्रस्तुत सभी लोगों के विरुद्ध जाकर अपने अटूट प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था। देवी सती को अपने प्रेम पर और महादेव से मिले वरदान पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए प्रजापति दक्ष के छल करने के पश्चात भी उन्हें पूरा भरोसा था कि महादेव वहां अवश्य आएंगे और महादेव ने उस विश्वास की लाज भी रखी। सती, प्रजापति दक्ष के आमंत्रण ना देने पर मैं स्वयंवर में ना आने के लिए विवश था, किंतु अब अपने आवाहन पर मैं अवश्य आऊंगा। मेरे आराध्य शिव, आपने अपना वचन निभा के मेरा मान सम्मान रखा है। कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद महादेव, आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आप ही मेरी शक्ति रूप हैं देवी और हमेशा रहेंगे।
आपकी इच्छा अनुसार देवी सती ने सभी के सामने इस भरी सभा में मुझे ये माला बनाकर अपना वर चुना है। आपसे निवेदन है कि आप भी हमें आशीर्वाद दें और अपना धर्म निभाएं। सती पति महादेव शिव शंकर की जय। सती पति महादेव शिव शंकर की जय। शिव के इस तरह अचानक प्रकट होने से प्रजापति दक्ष बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। वो तो इस विवाह को मान्यता तक नहीं देना चाहते थे। तब नारायण ने उन्हें बताया कि यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो पूरे कुल को दोष लगेगा। ब्रह्मदेव ने भी अपने पुत्र को समझाया, कहा कि सती का तो जन्म ही शिव को सक्रिय करने के लिए हुआ। ये प्रेम ही सती के जीवन का उद्देश्य विधि का विधान है। सती और शिव का ये विवाह, दक्ष ने सबके दबाव में आकर सती का विवाह तो संपन्न कर दिया, किंतु जब शिव के साथ उनकी विदाई का समय आया तब वो नहीं आए। विदाई में अपने पिता को न पाकर कितना दुख हुआ होगा ना माता सती को, है ना प्रभु? तुम सबकी स्मृति बहुत सताएगी, अपना ध्यान रखना और माता पिता का भी। माँ, मैं यहां से जा रही हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि अब नाता टूट गया। पिताजी, क्या वो इतने क्रोध में है कि मुझे विदा भी नहीं करेंगे? तुम्हारा विवाह किसी के भी साथ होता, तुम्हें अपने से दूर जाता देखना उनके लिए असंभव ही होता। तो अपने पिता को जानती हो ना, अब उनकी चिंता मत करना, अपने पति और अपने घर को संभालना, अब यही तुम्हारा पहला दायित्व है। विश्वास नहीं होता मेरी पुत्री मुझे इस प्रकार छल सकती है, अपने पिता के विरुद्ध जाकर उस असभ्य गौरी से विवाह कर सकती है।
जब पिता के मन को चोट पहुंचती है तो बहुत कठोर वचन भी निकल जाते हैं क्रोध। परंतु सबसे अधिक दुख भी तो पिता को ही होता है ना। और एक माँ, माँ का हृदय अपने संतान के बारे में तनिक भी कठोर वचन सुन के चिंता में डूब जाता है, पर वो करे भी क्या, है तो स्त्री ही, पतिदेव के निर्णय के आगे विवश हो जाती है। जरूर इन दोनों के मन में कोई बोझ है जो ये हमें बता नहीं रहे। इन दोनों के कष्टों को दूर करने हम यहाँ आए हैं प्रभु। फिर क्या हुआ माँ? देवी सती की उदासी का आभास शिव को था और वो अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने लगे। देवी सती अपने इस नए जीवन में मन लगा सके। अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने इस प्रेम के संसार में सुख से रहे। सती कैलाश में अर्थात अपने नए निवास स्थान में आपका स्वागत है। आज से कैलाश की और मेरे जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में होगी। आपके चेहरे पे जो खुशी है वो हमेशा रहेगी। मैं कभी आपके चेहरे की ये खुशी नहीं जाने दूंगा, ये वचन है मेरा। शिव और सती का विवाह तो संपन्न हुआ, किंतु उस विवाह में कोई ना कोई संकट तो आता ही है जिसमें अपने माता पिता की सहमति ना हो। महादेव से सती के विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष के भीतर महादेव के लिए जो द्वेष थे वह और भी अधिक बढ़ गया। तूने पिता से उसके प्राणों से अधिक प्रिय पुत्री को छीन कर बहुत बड़ा अपराध किया शिव, तुझे इसका दंड समय आने पर अवश्य दूंगा। तुझे मेरी तरह सहनी पीड़ा सहनी होगी। कैलाश में आपका स्वागत है देवी। आज का दिन आपके लिए अत्यंत व्यस्त रहा होगा ना? अब आप सुख से विश्राम कीजिए। तुम सब भी थक गए होगे, जाओ विश्राम करो। अभी अभी तो विवाह हुआ है, भोलेनाथ अभी से ध्यान में बैठ गए। ये स्थान घर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा, हर ओर से खंडर के समान है ये निवास स्थान। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पल के लिए लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती,
आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। हम दोनों एक ही तो हैं। तुमने मेरी सबसे प्यारी पुत्री को मुझसे छीना है। मैं तुझे कलंकित कर दूंगा जटाधारी। विवाह के बाद जब एक स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल आती है, उसके लिए सब कुछ अलग होता है। उस घर में कहां क्या रखा है से लेकर उस घर के सदस्य, उनका स्वभाव, उनकी रुचि अरुचि, ये सब कुछ एक पहेली बनकर रह जाती है और वो सब में खो जाती है। देवी सती के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर शिव कभी उन्हें पिता बनकर समझाते, कभी माँ की तरह लाड़ करते, तो कभी सखी की तरह संसार भर की बातें करते। जीवन के हर आयाम में वो एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे और उनके साथ ना केवल कैलाश बल्कि पूरे संसार में एक प्रसन्नता सी छा गई थी। हर स्त्री के भांति देवी सती का एक नेत्र अपने पति का घर संभालता था और दूसरा नेत्र अपनी मायके की ओर ताकता रहता। इधर विवाह के बाद मायके से उनसे मिलना आना तो दूर, किसी का कोई संदेश तक नहीं आया था। देवी सती का मन कहीं ना कहीं आशंकित था कि वहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है। और फिर एक दिन इतने सारे वाहन कहां जा रहे? ये सब हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे? ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो भ्रम होगा मेरा। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा यदि देवी सती ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं? अरे, ये तो वायुदेव और अग्निदेव है, दूर से ही सही। एक बार महादेव का अभिवादन भी नहीं किया। ये सारे देवगण इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मार्ग तो मेरी मायके की ओर जाता है, क्या ये सब वहीं जा रहे हैं? पर क्यों? हमें क्षमा करना सती, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें तुमसे बिना मिले ही जाना पड़ रहा है। सखी लक्ष्मी, विष्णु, नारायण नारायण, देवर्षि नारद प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आप सब इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी। पिताजी ने यज्ञ रखा है तो क्या आपको और महादेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है?
नारायण नारायण। अपनी पुत्री और दामाद को ही भूल गए पिताजी। नारद जी, अपनी पुत्री को बुलाने के लिए पिता को आमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है भला देवर्षि? बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब तक वहां पहुंची क्यों नहीं। कितने सारे कार्य होंगे, माँ सब कुछ अकेले संभाल रही होगी। आप जानते हैं पिताजी तो कोई भी आयोजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भोजन करना भी भूल जाते हैं। अरे लीजिए, ऐसे तो बातों में हमारा सारा समय निकल जाएगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचने की तैयारी करनी हो। प्रणाम। देवी पर नारद जी, आपको भी तो आयोजन में जाने में विलंब हो रहा होगा। अब वहीं भेंट होगी हमारी। प्रणाम। प्रणाम देवी। नारायण नारायण। ये हो गई तैयार पिताजी के लिए दुशाला। ये उपहार उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उतनी ही अच्छी लगेगी माँ को ये साड़ी। लगे भी क्यों ना, अपनी पुत्री के हाथों से दी गई कोई भी वस्तु माता पिता को अच्छी लगनी ही है। नंदी, ये उपहार रखवा दो। जब तक पूरा आयोजन समाप्त नहीं होता मैं वहीं रहूंगी, और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा माँ। माँ, प्रभु को समाधि से उठाना क्या उचित होगा? जा रही है देवी। वो देखिए प्रभु, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप भी उठिए, नहीं तो हम दोनों सबसे अंत में पहुंचेंगे। नियंत्रण आने की प्रतीक्षा तो देवादिदेव महादेव भी आमंत्रण निमंत्रण की औपचारिकता में फंसते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। वो मेरा ही घर है स्वामी, आप मेरे पति, उस घर के दामाद हैं। हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है भला? नियमों का महत्व यदि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा देव? नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बुलाने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसमें अपमान कैसा प्रभु? जानते हैं बाल्य अवस्था में जब मैं अचानक से कोई कार्य कर देती थी तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक वैसे ही आज भी हम दोनों को वहां अचानक देखकर पिताजी के मुख पर फिर से प्रसन्नता छा जाएगी। पहले आप उनकी पुत्री हुआ करती थी, आज आप मेरी पत्नी हैं। पर दोनों मैं ही तो हूं। हमारा विवाह हो गया, केवल इसलिए दो भागों में बढ़ जाना ही स्त्री की नियति है। यदि निमंत्रण आता तो मैं आपको जाने से कदापि नहीं रोकता, पर बुलावा आए बिना जाने का निर्णय मेरी दृष्टि में उचित नहीं है देवी। आइए प्रभु पधारिए।
ठीक है, आपको औपचारिक व्यवहार करना है तो आप अवश्य कीजिए, पर मैं अपने ही माता पिता के साथ औपचारिक नहीं बन सकती। वैसे भी महादेव, आप तो सदैव स्थिर रहते हैं, भ्रमण करने के लिए भी आपको कितनी मुनहार करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण। समय बहुत कम है, सारे अतिथि वहां पहुंच चुके होंगे, कितने सारे कार्य होंगे वहां, कितना बुरा लगेगा सबको कि इतने बड़े अवसर पर उनकी सबसे बड़ी पुत्री ही वहां नहीं आई। आपका ऐसे वहां जाना मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। देव जानते हैं क्यों महादेव? क्योंकि जब से हमारा विवाह हुआ है, एक क्षण के लिए भी हम एक दूसरे से बिछड़े नहीं हैं। पर मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूं मेरे भोले बाबा, यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। आप समझ नहीं रही हैं देव, निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। कैसा अनिष्ट महादेव? क्या है आपके मन में? कैसे बताऊं आपको कि जिस रिश्ते के अधिकार से आप वहां जाना चाहती हैं, उस रिश्ते में अब कड़वाहट आ गई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भावनाओं को शब्दों में बांधना कठिन होता है, ऐसा कुछ है जो मुझे खटक रहा। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, मैं अपने पिता के महल जा रही हूँ, किसी दुष्ट राक्षस से युद्ध करने उसकी गुफा में नहीं। वो मेरा घर है स्वामी, वहां मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है भला? बस मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए, और उससे भी उत्तम है, आपको निमंत्रण की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रही हूँ। यज्ञ समाप्त होते ही आप मुझे लेने आ जाइए, आएंगे ना? इतना समय हो गया है, अपने पिताजी, माँ को, बहनों को नहीं देखा मैं। पिताजी से तो विदाई में भी नहीं मिल पाई थी। जाने दीजिए ना महादेव, मेरे लिए। अपनी सती की प्रसन्नता के लिए मान जाइए। नंदी को अपने साथ लेते जाइए। जाने किस अशुभता के विचार से मेरा मन विचलित हो रहा, कहीं सती संकट की ओर तो नहीं जा रही? आशा करता हूं कि आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। हमारी सभी पुत्रियां और दामाद पधारे, आपको सती और शिव को भी आमंत्रित करना चाहिए था।
संसार तो अपने दामाद का सत्कार भगवान के समान करता है, और एक आप है कि अपरिचितों की चर्चा करके आप मेरा और अपना समय व्यर्थ न करें महाराज। किस सती की बात कर रही हैं आप? इस नाम की तो हमारी कोई पुत्री नहीं है। जानते हो नंदी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मैं अब तक आई क्यों नहीं, और मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल होंगी। देखते ही हृदय से लगा लेंगी वो। और माँ, माँ के लिए अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, पर आंखें सब कह देती हैं। माँ ने मेरी स्मृति में जितने अश्रु बहाए होंगे वो सब फिर से घिर आएंगे। जानते हो नंदी, माँ का हृदय भी कितना विचित्र होता है ना, सुख में भी रोता है और दुख में भी। लगता है यज्ञ आरंभ होने वाला है, चलो नंदी। माँ मैं तुम भी महादेव की तरह हिचक रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं सबसे भेंट कर लूं, फिर वो स्वयं तुम्हें भीतर बुलाएंगे। मैंने जो देखा वो नियति है तो संसार का अंत भी आने वाला अवश्य होगा। मैं सती को चाहकर भी रोक नहीं पाया, यदि किसी ने इस अनहोनी को नहीं रोका तो मेरे क्रोध से आने वाला विनाश। आपके कैलाश में आपका स्वागत है देवी। आज का दिन आपके लिए अत्यंत व्यस्त रहा होगा ना, अब आप सुख से विश्राम कीजिए। तुम सब भी थक गए होगे, जाओ विश्राम करो। अभी अभी तो विवाह हुआ है, भोलेनाथ अभी से ध्यान में बैठ गए। ये स्थान घर जैसा प्रतीत नहीं हो रहा, हर ओर से खंडर के समान है ये निवास स्थान। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल के लिए लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती, आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका, हम दोनों एक ही तो हैं।
तुमने मेरी सबसे प्यारी पुत्री को मुझसे छीना है। मैं तुझे कलंकित कर दूंगा जटाधारी। विवाह के बाद जब एक स्त्री अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल आती है, उसके लिए सब कुछ अलग होता है। उस घर में कहां क्या रखा है से लेकर उस घर के सदस्य, उनका स्वभाव, उनकी रुचि अरुचि, ये सब कुछ एक पहेली बनकर रह जाती है और वो उस सब में खो जाती है। देवी सती के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर शिव कभी उन्हें पिता बनकर समझाते, कभी माँ की तरह लाड़ करते, तो कभी सखी की तरह संसार भर की बातें करते। जीवन के हर आयाम में वो एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे और उनके साथ न केवल कैलाश बल्कि पूरे संसार में एक प्रसन्नता सी छा गई थी। हर स्त्री के भांति देवी सती का एक नेत्र अपने पति का घर संभालता था और दूसरा नेत्र अपनी मायके की ओर ताकता रहता। इधर विवाह के बाद मायके से उनसे मिलना आना तो दूर, किसी का कोई संदेश तक नहीं आया था। देवी सती का मन कहीं ना कहीं आशंकित था कि वहां क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है। और फिर एक दिन, इतने सारे वाहन कहां जा रहे? ये सब हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे? ऐसा लग रहा है जैसे दृष्टि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो भ्रम होगा मेरा। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए, अन्यथा यदि देवी सती ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा मैं? अरे, ये तो वायुदेव और अग्निदेव है, दूर से ही सही। एक बार महादेव का अभिवादन भी नहीं किया। ये सारे देवगण इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मार्ग तो मेरी मायके की ओर जाता है, क्या ये सब वहीं जा रहे हैं? पर क्यों? हमें क्षमा करना सती, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें तुमसे बिना मिले ही जाना पड़ रहा है। सखी लक्ष्मी, विष्णु, नारायण नारायण, देवर्षि नारद प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। आप सब इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी। पिताजी ने यज्ञ रखा है? तो क्या आपको और महादेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है? नारायण नारायण। अपनी पुत्री और दामाद को ही भूल गए पिताजी। नारद जी, अपनी पुत्री को बुलाने के लिए पिता को आमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है भला देवर्षि? बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब तक वहां पहुंची क्यों नहीं, कितने सारे कार्य होंगे, माँ सब कुछ अकेले संभाल रही होगी। आप जानते हैं पिताजी तो कोई भी आयोजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो भोजन करना भी भूल जाते हैं। अरे लीजिए, ऐसे तो बातों में हमारा सारा समय निकल जाएगा।
मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचने की तैयारी करनी होगी। प्रणाम। देवी पर? नारद जी, आपको भी तो आयोजन में जाने में विलंब हो रहा होगा। अब वही भेंट होगी हमारी। प्रणाम। प्रणाम देवी। नारायण नारायण। ये हो गई तैयार पिताजी के लिए दुशाला। ये उपहार उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उतनी ही अच्छी लगेगी माँ को ये साड़ी। लगे भी क्यों ना, अपनी पुत्री के हाथों से दी गई कोई भी वस्तु माता पिता को अच्छी लगनी ही है। नंदी, ये उपहार रखवा दो। जब तक पूरा आयोजन समाप्त नहीं होता मैं वहीं रहूंगी, और इसीलिए अब तुम्हें यहाँ का ध्यान रखना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा माँ। माँ, प्रभु को समाधि से उठाना क्या उचित होगा? जा रही है देवी। वो देखिए प्रभु, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप भी उठिए, नहीं तो हम दोनों सबसे अंत में पहुंचेंगे। नियंत्रण आने की प्रतीक्षा तो देव आदि देव महादेव भी आमंत्रण निमंत्रण की औपचारिकता में फंसते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। वो मेरा ही घर है स्वामी, आप मेरे पति, उस घर के दामाद हैं। हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है भला? नियमों का महत्व यदि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा देव? नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बुलाने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसमें अपमान कैसा प्रभु? जानते हैं, बाल्य अवस्था में जब मैं अचानक से कोई कार्य कर देती थी तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक वैसे ही आज भी हम दोनों को वहां अचानक देखकर पिताजी के मुख पर फिर से प्रसन्नता छा जाएगी। पहले आप उनकी पुत्री हुआ करती थी, आज आप मेरी पत्नी हैं। पर दोनों मैं ही तो हूं। हमारा विवाह हो गया केवल इसलिए दो भागों में बढ़ जाना ही स्त्री की नियति है। यदि निमंत्रण आता तो मैं आपको जाने से कदापि नहीं रोकता, पर बुलावा आए बिना जाने का निर्णय मेरी दृष्टि में उचित नहीं है देवी। आइए प्रभु पधारिए। ठीक है, आपको औपचारिक व्यवहार करना है तो आप अवश्य कीजिए, पर मैं अपने ही माता पिता के साथ औपचारिक नहीं बन सकती। वैसे भी महादेव, आप तो सदैव स्थिर रहते हैं, भ्रमण करने के लिए भी आपको कितनी मुनहार करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। आइए प्रभु आइए।
आ रहा है। समय बहुत कम है, सारे अतिथि वहां पहुंच चुके होंगे, कितने सारे कार्य होंगे वहां, कितना बुरा लगेगा सबको कि इतने बड़े अवसर पर उनकी सबसे बड़ी पुत्री ही वहां नहीं आई। आपका ऐसे वहां जाना मुझे ठीक प्रतीत नहीं हो रहा देव। जानते हैं क्यों महादेव? क्योंकि जब से हमारा विवाह हुआ है एक क्षण के लिए भी हम एक दूसरे से बिछड़े नहीं हैं। पर मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा, यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। आप समझ नहीं रही हैं देवी, निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। कैसा अनिष्ट महादेव? क्या है आपके मन? कैसे बताऊं आपको कि जिस रिश्ते के अधिकार से आप वहां जाना चाहती हैं उस रिश्ते में अब कड़वाहट आ गई है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भावनाओं को शब्दों में बांधना कठिन होता है, ऐसा कुछ है जो मुझे खटक रहा। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, मैं अपने पिता के महल जा रही हूँ, किसी दुष्ट राक्षस से युद्ध करने उसकी गुफा में नहीं। वो मेरा घर है स्वामी, वहां मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है भला? बस मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए, और उससे भी उत्तम है आपको निमंत्रण की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रही हूँ। यज्ञ समाप्त होते ही आप मुझे लेने आ जाइए, आएंगे ना? इतना समय हो गया है, अपने पिताजी माँ को बहनों को नहीं देखा मैं, पिताजी से तो विदाई में भी नहीं मिल पाई थी। जाने दीजिए ना महादेव, मेरे लिए अपनी सती की प्रसन्नता के लिए मान जाइए। नंदी को अपने साथ लेते जाइए। किस अशुभता के विचार से मेरा मन विचलित हो रहा, कहीं सती संकट की ओर तो नहीं जा रही? आशा करता हूं कि आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। हमारी सभी पुत्रियां और दामाद पधारे हैं, आपको सती और शिव को भी आमंत्रित करना चाहिए था। संसार तो अपने दामाद का सत्कार भगवान के समान करता है, और एक आप है कि अपरिचितों की चर्चा करके आप मेरा और अपना समय व्यर्थ न करें महारानी। किस सती की बात कर रही हैं आप? इस नाम की तो हमारी कोई पुत्री नहीं है। जानते हो नंदी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे कि मैं अब तक आई क्यों नहीं, और मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल होंगी, देखते ही हृदय से लगा लेंगी वो।
और माँ, माँ के लिए अपनी मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, पर आंखें सब कह देती हैं। माँ ने मेरी स्मृति में जितने अश्रु बहाए होंगे वो सब फिर से घिर आएंगे। जानते हो नंदी, माँ का हृदय भी कितना विचित्र होता है ना, सुख में भी रोता है और दुख में भी। लगता है यज्ञ आरंभ होने वाला है, चलो नंदी। माँ मैं तुम भी महादेव की तरह हिचक रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं सबसे भेंट कर लूं, फिर वो स्वयं तुम्हें भीतर बुलाएंगे। मैंने जो देखा वो नियति है तो संसार का अंत भी आने वाला अवश्य होगा। मैं सती को चाहकर भी रोक नहीं पाया, यदि किसी ने इस अनहोनी को नहीं रोका तो मेरे क्रोध से आने वाला विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा।